हरिद्वार में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। मंत्री मदन कौशिक के आवास के पास धरना दे रहे कांग्रेसी नेताओं को उठाने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी है। जी हां, सड़क पर यातायात प्रभावित होने के कारण पुलिस ने दर्जन भर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। इस दौरान कांग्रेसियों और पुलिसकर्मियों के बीच काफी धक्का मुक्की भी हुई है। पुलिस की इस कार्रवाई को प्रदर्शनकारियों ने गुंडागर्दी बताते हुए कहा है कि इस तरह से प्रदर्शन की जबरन आवाज को दबा देना लोकतंत्र की हत्या करना है। राम निवास देव के नेतृत्व में कुछ युवा जो कि यहाँ पे पेट्रोल पंप के सामने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ ये प्रदर्शन करना चाह रहे थे। इन्होंने किसी तरीके की कोई परमिशन नहीं ली थी। इनको इससे अवगत कराया गया कि चूंकि आपका परमिशन नहीं है और ये व्यस्त इलाका है, इससे ट्रैफिक रुक सकता है और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। इसके बाद भी ये नहीं माने, फिर इनको बताया गया कि अगर आप इस तरीके से अनुशासनहीनता करेंगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। गुंडागर्दी कर रखी है, अराजकता कर रखी है, भ्रष्टाचार कर रखा है, पूरे हरिद्वार को सड़ा रखा मदन कौशिक ने। ये हम शांतिपूर्वक जो है धरना प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन इन्होंने पुलिस को आगे कर दिया और हम भ्रष्टाचार का, गुंडागर्दी का विरोध करते रहेंगे, मदन जी के काले छिट्टे खोलते रहेंगे। जो जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, जमीनों पे अवैध कब्जे हो रहे हैं, उनके खिलाफ हम संघर्ष करते रहेंगे। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कुर्बानी देने के लिए तैयार है।